अब चलते हैं राउंड टू की जानिब। टैक्सी कैश राउंड टू का पहला सवाल। बाय लैंड, अगर हम लैंड की बात कर रहे हैं, लैंड एरिया की बात कर रहे हैं, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट सिटी इन पाकिस्तान? बताओ। आई थिंक पेशावर। लाहौर। लाहौर तो बहुत छोटा, जौहर जितना है। अच्छा, जौहर जितना है। और क्या? कराची बोला, कराची डिनाई कर दिया। कराची तो फर्स्ट है ना। कराची फर्स्ट है, सेकंड बना है। सेकंड लाहौर ही है। सेकंड लाहौर ही है, मैं लॉक करवा रही हूं। लाहौर नहीं है। लाहौर पे जाओ। ये लाहौर ही है। इस स्ट्राइक पहले ही हो चुकी है। लाहौर ही है। अच्छा ठीक है, मैं करवा रही हूं ना। सेकंड स्ट्राइक लग जाएगी? नहीं लगेगी सेकंड स्ट्राइक। लाहौर आंसर है। तुम गूगल करके देख लेना। लॉक करवाने दो, लाहौर है आंसर। अगर गलत हो गया? नहीं होगा, मैं 100% श्योर कह रही हूं। 15 लाख रुपए तुमसे लूंगा। हां ठीक है, मैं दे दूंगी। सही है, करवा दूं सर। आंसर बताऊं? बता दे। लाहौर। लेकिन अभी आप श्योर हैं? यस सर। चले अभी फिलहाल ये श्योर है। टैक्सी कैश श्योरिटी के साथ लॉक करें लाहौर। बिल्कुल सही है, लाहौर। अब बताओ। इज द करेक्ट। अब बताओ। वेल प्लेड। टैक्सी कैश अगला सवाल प्लीज। व्हाट इज द नेशनल टेलीविजन नेटवर्क फॉर पाकिस्तान? मीडिया में हो, बताओ। पीटीवी। अब्बा के जमाने से चलता है। पक्का है? मुझे बस बाकी बाकी तो सारे प्राइवेट हैं। नेशनल में हमारा पीटीवी था जो गवर्नमेंट चलाती थी, उसके बाद से जितने भी न्यूज चैनल हैं वो सारे प्राइवेटली हैं। पक्का? हाँ, अभी तक तो मैंने नहीं सुना कोई। पक्का यही जवाब है? न्यूज वगैरह टीवी वगैरह नहीं देखती? कैसी ब्लॉगिंग कर? नहीं देखती ना, टीवी नहीं है घर में। आई थिंक लॉक कर देते हैं, और क्योंकि मेरे जहन में यही आ रहा है अगर हम किसी भी और दूसरे न्यूज चैनल की तरफ जाते हैं तो सारे प्राइवेट। सवाल आया तुमने कहा तुम दोगी जवाब, मेडिकल स्टूडेंट हो तो आप, मीडिया का आया तो आप दीजिए। आप क्या करना चाह रहे हैं सर? पीटीवी। पीटीवी लॉक करना आपने? यस सर। टैक्सी कैश पीटीवी लॉक करें प्लीज। 40,000 रुपए राउंड टू के आपके। 40,000 रुपए प्लस आपके, यानी कि 80,000 रुपए आपके पास हैं। टैक्सी कैश नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाउ मेनी कार्ड्स इन ए स्टैंडर्ड प्लेइंग डेक? ताश कौन खेलता है शौक से? कोई भी नहीं। कोई सर। भी नहीं सर। ताश देखे होंगे आपने? सर ताश देखे तो देखे, खेले नहीं है सर कभी। चले चले आप बताए कितने कार्ड्स हैं एक डेक में? एक डेक में मतलब वो चारों को मिला के? नहीं, पूरा जो एक डेक होता है ना, जब आप डब्बा खोलते हैं जो निकलते हैं पूरा। जी जी जी। अच्छा अच्छा, उसमें कितने कार्ड? इसमें भी एक साइंस है, कैलकुलेशन करके देखते हैं फिर से कहाँ बैठती है। 1 से 10 तक तो होते हैं, क्या ये 3 वो है, 13। 13 वो 4 से मल्टीप्लाई करें हम, 26 और 26 52। 52 तो ये होगा सर। जोकर को भी काउंट करना है। अलबत्त मैं एक दफा और आपको सवाल सुनाता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। हाउ मेनी कार्ड्स इन ए स्टैंडर्ड प्लेइंग डेक? 11 है माइंड में। माइंड में मेरे 52 आ रहे हैं, लेकिन 55 होते हैं स्कोरिंग का हटा के। अगर हम स्कोर वाले हटा दें, प्लेइंग की अगर बात आती है तो हम 52 शायद खेलते हैं। 52 लॉक कर दें? यस सर। क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा ऐसा है कि 55 होते हैं, लेकिन अगर हम जोकर्स को हटा दें तो प्लेइंग के लिए कुछ 52 बचते हैं। जी मेरी, तो क्या लॉक करना चाह रहे हैं सर? 52 52 प्लेइंग कार्ड लॉक करें? यस सर। टैक्सी कैश 52 लॉक करें। सही है या गलत? बिल्कुल सही है। क्या बात है जी। ऑलराइट, सूरत हाल कुछ ये है। एक और सवाल है राउंड टू का। अगर आप सही जवाब देते हैं, टोटल कैश वैल्यू 1,20,000 रुपए आपके सिक्योर्ड एंड लॉक्ड टैक्सी कैश की तरफ से। 2 स्ट्राइक्स बाकी हैं, 3 लाइफलाइंस मौजूद हैं। चलते हैं आखिरी सवाल की जाने प्लीज। टैक्सी कैश, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बॉड मास? बॉड मास, बॉड मास ये मैथ्स का फॉर्मूला है, और आज तक कभी पास नहीं। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीपल बोर्ड मास है ना, मास है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। दोबारा बताइएगा।
क्या रिपीट किया था ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीपल एडिशन नहीं ब्रैकेट ऑफ डिवीजन बहुत हो गया एक अब आते हैं मास की तरफ तो मल्टीप्लिकेशन एक मिनट एडिशन एंड सब्सक्रिप्शन एक दफा फिर क्लैरिटी के साथ मुझे जवाब बताइए बॉर्डर ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सर बड़ी मुश्किल से एक साथ निकला है इसको लॉक कर दें अच्छा तो आपने कहा है कि बॉर्डर ऑफ इसी को लॉक करने बॉर्डर ऑफ नहीं ब्रैकेट ऑफ ब्रैकेट ऑफ सॉरी बॉर्डर ऑफ सर मैं बोल दूंगा ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑलराइट तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन फिर आपने कहा मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यही है यस सर फाइनली सर यही है बहुत कोशिश कर इससे पहले कि हम आंसर रिवील करें आपको बताता चलूं कि अगर ये जवाब गलत हुआ वो आखिरी सवाल बड़ा कंफ्यूजिंग सा था सर वो एक्चुअली मैंने याद किया था 9 क्लास में मैं अभी मास्टर्स के उस पे अके लेकिन वो जहन जो है वो कभी कभार होता है ना कि हलक तक बात आ जाए लेकिन मुंह से नहीं निकलती तो वो वाला सीन हमारे साथ अभी चल रहा था एक मिनट में आखिरी खिलाड़ी कौन That's the catch. Captain! किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें